कल 31 तब लॉन्च हुई थी अपनी नेक्सॉन टाटा की अपनी टिगोर ईवी। तो अभी मैं हूँ जयपुर में, फ़िलहाल जयपुर के टाटा शोरूम में। तो आज टाटा की तरफ से पहली डिलीवरी हो रही है अपनी टिगोर की, ये अपनी टिगोर ईवी टाटा की, जो कि एक फैमिली सेडान कार है, बहुत ही अच्छी है। नेक्सॉन के बाद अब इनकी आई है ये जिप्ट्रॉन ईवी अपने टिगोर की तरफ से। सो बेसिकली या मतलब कौन सा सेगमेंट है, कॉम्पैक्ट सेडान है या फिर सेडान है? सर ये आज की डेट में सबसे पॉपुलर जो सेगमेंट है ये सेडान सेगमेंट आप बोल सकते हो, कॉम्पैक्ट सेडान बोल सकते हो। और ये बॉडी शेल जो है बहुत मजबूत बॉडी शेल है। ऑलरेडी ये जो टिगोर जो गाड़ी है ये पहले से गाड़ी आ रही है, पेट्रोल डीजल में आती थी, लेकिन इसके साथ में हमने लॉन्च किया बिकॉज सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कार अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट है। तो हमने ये गाड़ी लॉन्च की है विद जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी। जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे इंजीनियर्स ने, हमारी R&D टीम ने, हमारी ERC ने डेवलप किया है, जिससे फ़ायदा ये मिलता है कि आपको हाई परफॉर्मेंस रहती है, लॉन्ग रेंज मिलती है और परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी नहीं आती है। प्लस लॉन्ग लास्टिंग भी है कि 8 साल की वारंटी हम दे रहे हैं साथ में, 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर भी चला कम साल लिया। तो इतनी लंबी वारंटी हम इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी। ओके, और सर बताइए। और बेसिकली इनकी रेंज क्या होती है, मतलब लाइक? देखिए सर, रेंज के लिए क्या है कि गवर्नमेंट एज पर CMVR गाइडलाइंस या KRAI एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट अप्रूव एजेंसी है, वो सारी गाड़ियों को टेस्ट करती है। एज पर AIS 140 की अगर हम बात करेंगे तो ये टेस्टिंग हुई है, उनने 306 का सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशन का माइलेज बताया है। बट रियल लाइफ का जो रेंज आती है ये डिपेंड करता है ड्राइविंग कंडीशंस पे, रोड ट्रैफिक पे, आपकी गाड़ी व्हीकल की स्पीड पे, एम्बियंट टेम्परेचर पे, जैसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो रियल जो लाइफ जो रेंज मिलेगी, ये आप पहली गाड़ी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, हमको विदिन अ वीक आई थिंक हमको रियल लाइफ रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। तो इसमें वेरिएंट वाइज फीचर का भी डिफरेंस है या फिर मतलब एक ही वेरिएंट? इसमें 3 वेरिएंट आ रहे हैं अभी, XC, XM और XZ+ है, और XZ+ में डुअल टोन मॉडल भी अवेलेबल है। ओके, तो इसके अंदर डुअल टोन भी है, और यहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के हिसाब से ही हमने जो बैटरी पैक दिया है दैट इज़ लिक्विड कूल्ड है, वो कूलेंट के थ्रू ठंडा होता है, और इसका जो मोटर है दैट इज़ ऑल्सो लिक्विड कूल्ड बैटरी, लिक्विड कूल्ड जो है मोटर दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं 3 फेज परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं, जो सबसे बेस्ट कैटेगरी ऑफ मोटर्स माना जाता है, जो पावर ज़्यादा डिलीवर करते हैं और बैटरी का कंजम्पशन भी कम करते हैं। और ये थर्मल मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है EVs के लिए, हमने इसका पूरा ध्यान रखा है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी ये परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। और ये हमने कई लाख किलोमीटर जो है ये गाड़ियाँ हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हम रोल आउट करते हैं। ऑलरेडी टेस्टेड भी कर। और चार्जिंग का क्या सिस्टम रहता है इसके? देखिए सर, 2 तरीके की चार्जिंग सिस्टम आती है इसमें। एक तो होता है डोमेस्टिक चार्जिंग। वैसे देखा गया जितनी भी EVs इंडिया में अवेलेबल है, हम लोगों ने 6000+ गाड़ियाँ ऑलरेडी हम EVs नेक्सॉन बेच चुके हैं, सेल कर चुके हैं इंडियन मार्केट में। और राजस्थान की बात करेंगे तो 260+ हमने गाड़ियाँ सेल कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हमारा जो फीडबैक है, हमारा जो रिव्यू है, वो यही है कि 90% जो कस्टमर्स हैं दे नॉर्मली चार्ज डोमेस्टिकली, घर वाले जो चार्जर होता है AC चार्जर उसमें चार्ज करते हैं, क्योंकि वो कन्वीनियंट भी पड़ता है और इकोनॉमिकल भी पड़ता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कम पड़ती है। अब ये बात अलग है कि 10% केसेस में जब आदमी हाईवे में जाता है तो जैसे टाटा पावर से कई सारे चार्जर राजस्थान में ही है, और आप पैन इंडिया करीब हमारे पास 300+ फास्ट चार्जर्स अवेलेबल मिलते हैं जो टाटा पावर ने लगाए हैं। प्लस 2 दूसरी कंपनियां भी हैं, प्राइवेट कंपनियां, वो भी आ रही हैं इस फील्ड में, जैसे प्लग एंड गो है, स्टैटिक है। तो ऑलरेडी उन लोगों ने इंस्टॉलेशन चालू कर दी है और कई जगह उनके वर्किंग कंडीशन में भी है। और जो कनेक्टिविटी जो बाकी रह भी गई है, तो बहुत जल्दी टाटा पावर की जो टीम है ये जितने एरिया हैं उसको अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। और आपने बैटरी की वारंटी बताई 8 ईयर्स एंड 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर, विचार कम सर लिया जो इस टाइम इंडस्ट्री पैटर्न है 20,000 पर ईयर का जो कैलकुलेशन लेके हमने 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर का कैलकुलेशन रखा हुआ है। और व्हीकल वारंटी क्या है? व्हीकल की वारंटी देखिए इसमें है कि 3 साल या 1.25 लाख किलोमीटर विचार कम सर लिया, 3 ईयर्स और 1.25 लाख किलोमीटर विचार कम सर लिया। को इसका सेडान लुक और इसका कलर और इसके फीचर्स बहुत पसंद आए, और इसीलिए मैंने EV को चूज़ किया है। थैंक यू। टिगोर EV को स्टार्ट कैसे किया जाता है? जो नई टिगोर EV है उसमें क्या क्या फंक्शन है जी? हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ब्रेक लगाने के बाद में गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये गाड़ी स्टार्ट होगी। देन आप अगर मीटर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे पावर आपको शो करेगा 75% है। यहाँ उसके आगे आपको रेंज शो करेगा 150 किलोमीटर दिखा रहा है, जो कि वेरिएबल रेंज है, घटती और बढ़ती रहती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सारे डायग्नोस मिलेंगे। हम ड्राइव मोड लेंगे तो ड्राइव मोड का इग्नाइट करेंगे आपको, अगर हम रिवर्स लेंगे तो रिवर्स के साथ में आपको कैमरा भी मिलेगा, क्योंकि कैमरा आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इस तरीके से एक इसमें बहुत अच्छा मोड है जिसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड की पावर जो होता है बहुत ज़्यादा होती है, अच्छा आपको पिकअप रेशो बहुत अच्छा मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी में 75 PS की पावर जनरेट होती है और 170 Nm का टॉर्क जनरेट होता है। टॉर्क बहुत ज़्यादा आता है इस गाड़ी में टॉर्क बहुत ज़्यादा है, तो ये पेट्रोल डीजल से इसीलिए बेस्ट है। पेट्रोल डीजल में क्या होता है, हमें पावर पेट्रोल में नहीं मिल पाती है, मतलब पिकअप नहीं मिलता है, तो यहाँ पे क्या है पिकअप और पावर दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क बहुत ज़्यादा है। ओके, हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि बहुत अच्छा अपने को बूट स्पेस दिया हुआ है, जो कि है 310 लीटर। बिकॉज 310 इसलिए है कि नॉर्मल टिगोर पेट्रोल और डीजल के अंदर जो आती थी उसमें क्या होता था, 419 लीटर का बूट स्पेस आता था, बट यहाँ पे हमने बैटरी को रखा गया है। तो बैटरी को रखा गया इसलिए आपने देखेंगे कि यहाँ पे टायर भी जो है वो साइड में वर्टिकल लगाया हुआ है। और एक हम आपको बॉक्स देते हैं जो कि चार्जिंग बॉक्स है। चार्जिंग बॉक्स ये 7 to 8 आवर्स में आपके व्हीकल को फुल चार्ज करता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बूट स्पेस 310 लीटर का आपको मिलेगा। तो अपनी पहली जयपुर की टाटा एवी यहाँ से अभी निकल चुकी है। अभी आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन हो गया है। आज ऋषि सर ने हमारे डिलीवर की है गाड़ी। आपने डिलीवर की है ना? लगता है बिजी हो गए ज़्यादा आजकल। तो अभी अब देखते हैं आज उसका फीडबैक कैसा आता है धीरे धीरे। खैर नेक्सॉन जो टाटा की जो नेक्सॉन होती है इलेक्ट्रॉनिक की, ये भी बहुत अच्छी चली है। तो डेफिनेटली है कि टाटा ने इस बार भी बहुत अच्छी चीज़ निकाली है, फैमिली पैक के हिसाब से, फैमिली लोगों के लिए सबसे गाड़ी बहुत अच्छी निकाली है। चलिए अब आगे अपन एंजॉय करते हैं इसके।